एग्ज़ाम, P1 एग्ज़ाम सामने आ रहा है, तो आप लोग इसके लिए पढ़ाई भी अच्छे से करनी है। तो इससे आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, इसको मैंने इसके रिलेटेड स्टडी मटेरियल मैंने आपको पहले ही भेज दिया है। आशा करती हूँ आपको सभी ने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो आज मैं आपको कविता के का भावार्थ अर्थात व्याख्या करने जा रही हूँ। बच्चों आप लोग जब भी कविता का भावार्थ करते हो, जैसे कि आप लोग इंग्लिश में जब भी कोई इंग्लिश का मीनिंग एक्सप्लेनेशन करते हो, वैसे ही आप किसी राइम्स का या फिर कोई किसी पोएम का जिस प्रकार से आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन करते हो, उसी प्रकार इसी हम लोग हिंदी में भी हम लोग इस कविता का हम लोग व्याख्या करते हैं, यानी एक्सप्लेन करते हैं। तो जब भी आप लोग हिंदी की कविता को एक्सप्लेन करें, इसके कुछ नियम है। चूँकि ये आप लोग का थर्ड लैंग्वेज का क्लास है, तो आप लोग को जनरली आप लोग को एक्सप्लेन करने एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन मैं आप लोग को इसके कुछ तरीका बताना चाहती हूँ जो कि आप लोग के लिए जानना आवश्यक है। तो जैसे इसके कुछ नियम होते हैं कविता को जब भी आप एक्सप्लेन करोगे, तो आप लोग को तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है आपका संदर्भ। संदर्भ में क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको ये कविता कहाँ से ली गई है और इसके कवि कौन है आपको ये लिखना है। तो आप लोग लिख सकते हैं संदर्भ में कि प्रस्तुत कविता को हमारे पाठ्य पुस्तक सारांश 3 से लिया गया है, जिस की कविता का नाम है हम सब सुमन एक कुंवर के और जिसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो फिर सेकेंड आता है आपका प्रसंग। प्रसंग में आपको लिखना है कि जो भी ये पंक्ति है ये कविता से लिया गया है, तो इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रसंग में हम लोग ये लिखते हैं। तो प्रसंग में आपको लिखेगा कि प्रस्तुत कविता में कवि अपने भावों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रकृति के वो देशवासियों अर्थात देश के बच्चों के मन में एकता की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं। वह प्रकृति के माध्यम से देश के विविधता में एकता का मतलब समझाना चाहते हैं। तो ये आप लोग का हो गया कि कवि क्या कहना चाहता है। फिर आपका आएगा व्याख्या। व्याख्या में क्या होता है, आपको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं वैसे कि आपको इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। तो जो पंक्ति है हम सब सुमन एक कुंवर के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मेरी एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक कुंवर के। इसमें कवि कहना चाहते हैं देशवासियों को अर्थात देश के बच्चों को प्रेरित करते हुए कहते हैं, जो क्या चाहते हैं कि देश के बच्चों के मन में देश प्रेम की भावना उत्पन्न हो, अर्थात वे देश की विविधता में एकता का तात्पर्य समझ चाहिए। जिस प्रकार हमारे देश में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार के भाषाएं हैं, फिर यहाँ के जाति वेशभूषा सभी विभिन्न प्रकार है, लेकिन फिर भी हम सभी एक हैं। अर्थात यहाँ पर वो प्रकृति के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक उपवन में अर्थात एक बगीचा में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, लेकिन फिर भी सभी एक बगीचे में एक ही साथ खिले हुए रहते हैं, जो कि बहुत ही मनभावन लगते हैं, बहुत ही सौंदर्य प्रतीत होता है। उसी प्रकार देश के जो देशवासी हैं वे भी इसका मतलब समझे और सभी आपस में मिलजुल कर रहे। हम सब सुमन के एक हमारे धरती सभी, हम लोग सभी एक ही देश के वासी हैं, अर्थात एक ही देश एक ही उपवन के एक ही बगीचे के फूल हैं, अर्थात नागरिक है, एक ही देश के नागरिक है, जो कि एक साथ मिलकर रहते हैं और हमारी धरती भी एक है, अर्थात हमारा देश एक ही है। जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मेरी एक ही धूप हमें है, अर्थात जिस देश की मिट्टी में हम लोग सभी जन्मे हैं और जहाँ की मिट्टी में हम पले बने हैं, यहाँ पर हमें हमारे देश के लिए हमें कार्य करना चाहिए और हमारे देश की धरती का ऋण उतारने के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए।
सींचे गए थे कि जल से हम पले हुए जुड़ कर, अर्थात हमारा हम एक ही देश की मिट्टी में पले हैं। हमारा जो जल स्रोत है वो भी एक है, यहाँ के नदी नाले समुद्र सभी एक है, अर्थात हम लोग सभी देशवासियों ही हम एक ही देश के नागरिक होकर एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। पढ़ने में हमें पकड़ के हम सब अर्थात यहाँ की वायु अर्थात यहाँ की जो पवन है वो भी हमारा हमारे देश के जो हमें एक ही देश में रहते हैं और एक ही देश में रहकर सभी बढ़ते हैं और मिलजुल कर रहना सीखते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब नंबर टू, जिस प्रकार आप लोगों ने नंबर वन की पंक्ति में सर्वर पर्सन को रखे मैंने एक्सप्लेनेशन आपको समझाया है, उसी प्रकार आपको नंबर टू में भी करना है। अगर आपको ये एक्सप्लेन करने आता है या फिर आप एक्सप्लेन करते हो तो आपको इसी तीनों से होके जाना है। संदर्भ में आपको वैसे ही करना है कि प्रस्तुत पंक्तियों को हमारे पाठ्य पुस्तक सारांश थ्री से लिया गया है और जिसकी कविता का नाम है हम सब सुमन उपवर के और जिसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद महर्षि। अब प्रसंग में होगा कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है। तो प्रस्तुत कवि कविता में कवि कहना चाहता है कि हमारे जिस प्रकार हमारे हम सब अलग अलग होने में भी अलग अलग जाति के धर्म के होते हुए भी हमें एक ही साथ रहना चाहिए, हम एक ही देश के नागरिक हैं और हमारे एक देश के लिए हमें जितना अपना योगदान देना चाहिए, देश की उन्नति के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें व्याख्या में आप अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उड़ती कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन के हम सब सुमन की कुमार के। अर्थात इसमें कवि कहना चाहते हैं वे अपने अपने देश की के प्रति अपनी प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं अर्थात देश के वासियों अर्थात बच्चों को उत्साहित करने के लिए कहते हैं कि सूरज एक हमारा जिसकी हमारे सूरज भी एक है और जिसकी हृदय अर्थात जिसको देखकर हमारा हृदय खुल उठता है, एक हमारे चांद चांदी जिसकी हम सबको नहलाती, हमारे चांद भी एक है जिसके रोशनी में हम पेड़ पौधे और सारी भारतवासी खिल उठता है, मिले एक से स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन के हम सब सुमन एक उपवन के। अर्थात हमारा स्वर अर्थात हमारा जो लक्ष्य है वो भी एक है और जिस देश की मिट्टी में भ्रमरों के मीठे गुंजन अर्थात भौरे के जो मीठे जो बगीचों में गुंजन करते हैं वो भी एक है, हम सब सुमन एक उपवन के अर्थात हमारा हम एक ही देश के वासी है अर्थात एक ही बगीचे के रहने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार से कवि इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं इसमें देशवासियों के मन में देश प्रेम की भावना उत्पन्न करने अर्थात विविधता में एकता का तात्पर्य प्रकृति के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि हमारा सूर्य चांद हम एक ही जल से हम लेते हैं, हमारा जो हम एक ही पवन में श्वास लेते हैं अर्थात हमारे जिसके देश के बगीचों में भ्रमरों के गुंजन अर्थात गुंजन सुनाई पड़ते हैं, हम एक ही देश के नागरिक हैं इसलिए हमें मिलजुल के रहना चाहिए और हमारे देश के उन्नति के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए और हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको ये दोनों पंक्तियाँ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं आपको जब भी आप कोई कविता या फिर कहानी पढ़ते हो तो कुछ वर्ड्स होते हैं यानी कुछ शब्द होते हैं जो आपको मीनिंग नहीं आती है, तो आप लोग पेंसिल से किताब के साइड में या फिर कोई अलग कॉपी में हिंदी कॉपी में आप मीनिंग लिख सकते हैं। जैसे शब्दा, ठीक है, यहाँ पर क्या है सुमन का मीनिंग क्या होता है फूल, उपवन बगीचा, धूप, सूरज, सूर्य आप कुछ भी लिख सकते हैं, धरती,
स्वर, आवाज, भ्रमरो भ्रमर, भौंरा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको कोई भी आप कविता पढ़ते हो या फिर कोई चाहिए पढ़ते हो, अगर किसी भी आपको मिनी समझने में तकलीफ होती हो तो आप लोग शब्दार्थ इस तरह आप लोग किताब के साइड में या फिर किसी भी कॉपी में आप लोग लिख सकते हो। इससे आप लोग को किसी भी कहानी का या फिर कविता का अर्थ समझने में आपको आसानी पड़ेगी। तो आज के लिए मैं अपना क्लास यही समाप्त करती हूँ। तो इसके बाद मैंने बाकी जो जो कविता है मैं इसके बाद की क्लास में आपको समझाऊंगी। आज के लिए थैंक यू।